नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट वीजा के इस चैनल पे स्वागत है। सो कनाडा के सितंबर इनटेक की बात करेंगे, जो स्पेशली एडमिशन वाले बच्चे हैं। तो मेरी एडवाइस है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो कैनेडा का ये आज अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो ऑलमोस्ट अप्रैल के 20 डेज क्रॉस हो चुके हैं। कॉलेजेस की डेडलाइन जो है जो मई में है मोस्टली, लेकिन अभी नई डेवलपमेंट में काफी कॉमन कॉलेजेस हैं जो पब्लिक फंडेड कॉलेज है, जिनके इनटेक फुल हो चुके हैं कई कोर्सेज के लिए, स्पेशली बिजनेस वाले कोर्सेज वगैरह जो होते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज है, उसमें भी सीट्स जो है बहुत जल्दी फिल आउट हो रही है। क्योंकि मैं हर 10 दिन में, हर 5 दिन में आपसे अपडेट शेयर करता हूं क्या सिनेरियो, क्योंकि मुझे रेगुलर लाइव शोज में कॉल आती है कि बच्चे पूछते हैं कि क्या हम ऑफर अप्लाई कर दें। तो मेरी एडवाइस है, कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑफर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमसे करना चाहते हैं तो आप हमें 9041090410 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अप्लाई करूं या ना करूं, ये एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैंने अप्लाई करना है और कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि सितंबर इनटेक अगर मैं बात करूं तो रेलिवेंसी और आपकी जो रिक्वायरमेंट आपको पूरी मेट करनी पड़ेगी। मीन टू से कि आईएलटीएस के आपके बैंड भी अच्छे चाहिए, रेलिवेंसी कोर्स सही चूज करना, स्पेशली कॉमर्स वाले स्टूडेंट बिना मैथ वाले जो होते हैं, कोर्स की रेलिवेंसी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहती है वीजा लेने के लिए। आपका गैप क्या है उसकी जस्टिफिकेशन, 19 पास आउट बच्चा, मेरी एडवाइस है सितंबर अगर अप्लाई करना है तो गैप की जस्टिफिकेशन जरूर प्रोवाइड करें। 2-3 बार अगर रिफ्यूजल ले चुके हैं तो आप थोड़ी आउटर प्रोविंस, जिसमें अटलांटिक प्रोविंस आप काउंट कर सकते हैं, उसको जरूर ऑप्ट करने की सोचें। क्योंकि अभी मैं क्यूबिक नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि क्यूबिक की सिचुएशन सभी बच्चों को पता है, तो मैं अटलांटिक प्रोविंस की बात करूंगा। वहां पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, आप वहां एडमिशन लेते हैं तो देखने में आया है अभी रिसेंट ट्रेंड में, जो अभी रिजल्ट्स भी आए हैं बच्चों के, तो जो रिफ्यूजल के बाद भी वहां जो अप्लाई कर रहे हैं उनमें से काफी बच्चों का वीजा निकला। अगर कंपेरिजन करते हैं कि मान लो कि टोरंटो से 2 बार रिफ्यूज है, तो अगर वो अटलांटिक प्रोविंस की तरफ गया तो उसकी थर्ड टाइम में वीजा अप्रूवल हुआ है, जबकि उसके साथ का ही प्रोफाइल था जो टोरंटो साइड दोबारा से तीसरी बार लगाया तो उसको भी रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। तो कनाडा का एडमिशन प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो चुका है, सीट्स को लेके बच्चों को चैलेंज आना शुरू हो चुका है। क्योंकि मई, अगर आपको ध्यान में हो तो मई के रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट की स्पीड को लेके दिक्कत है, सभी के नहीं तेज हुए, तो इस कारण से अभी कॉलेजेस की ईमेल आने लगी कि डेफरमेंट करना है कि ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, तो वहां डेफरमेंट का ऑप्शन बच्चे देखने लगे। तो जो मेरा आइडिया है, अगले 2 वीक आप नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 वीक मीन टू से कि फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आपको और ज्यादा ऑप्शन जो है कम दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी एडमिशन कॉलेज की वेबसाइट पे भी जाते हैं अलग अलग कॉलेज की, तो वहां पे भी इनटेक फुल नाउ ओपन फॉर Jan 22 के मैसेज आने शुरू हो गए कि हम Jan 22 की रिक्रूटमेंट करने लगे। तो मेरी क्लियर कट एडवाइस है एप्लीकेंट से, अपनी एप्लीकेशन अगर लगाना चाहते हैं आप वीजा ऑफिस को कॉल कर सकते हैं 9041090410, या हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं लुधियाना, अमृतसर, जलंधर। वीजा ऑफिस 10 साल से स्टूडेंट वीजा की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमारे थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन जो है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर स्टार्ट कर सकते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बना के 9041090410 इस नंबर पर कॉल करके मिल सकते हैं। और कैनेडा का एडमिशन प्रोसेस मई में टोटली खत्म हो जाएगा, ऑफर लेटर को लेके अभी कुछ कॉलेज 1.5 महीना भी ले रहे हैं, तो मेरी एडवाइस है 2 से 3 ऑप्शन आप जरूर अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही ऑफर अप्लाई करें और 1.5 महीने से अगर आपका ऑफर नहीं आया, 1 महीना वेटिंग हो गया आपको, तो मेरी क्लियर कट एडवाइस है ये टाइम है कि आपको अल्टरनेटिव लोकेशन पे भी ऑफर लेटर अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि अगर और 10-15 दिन आपने डिले किया तो सितंबर की जो करंट अपडेट है, मैं लास्ट में फिर से कहूंगा, इनटेक्स बहुत जल्दी फिल आउट हो रहे हैं, ऑफर लेटर्स आ रही हैं, लेकिन सीट जो है बहुत कम होती जा रही हैं। तो अगर आपने कहीं भी कनाडा में अप्लाई करना है सितंबर इनटेक, तो मेरी एडवाइस है आप मई फर्स्ट वीक से पहले पहले अपना ऑफर लेटर एप्लीकेशन लगा चुके हों या ऑफर लेटर सिक्योर कर चुके हों। क्योंकि अम्बेसी में भी जुलाई से पहले आपने फाइल पुटअप करनी है, बायोमेट्रिक को लेके जैसे इंडिया में केसेस बढ़े हैं तो बायोमेट्रिक देने में भी आपको थोड़ा चैलेंज हो सकता है कि बायोमेट्रिक के स्लॉट देर मिले, तो आपके लिए जरूरी है कि सितंबर के लिए भी फाइल टाइमली लगाई जाए, नहीं तो आपको रिजल्ट के लिए दिक्कत आगे चल के आ सकती है। तो ये सितंबर इनटेक की रीसेंट करंट अपडेट थी, आने वाले टाइम में और भी अपडेट इसी चैनल पे आती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। नमस्कार।